नमस्कार, मणिगुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयत। कुछ लोग छोटी छोटी बचत से बड़ा कॉर्पस तैयार करने में विश्वास रखते हैं और ये लोग इसके लिए हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत जरूर करते हैं। कुछ लोग इन पैसों को आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट में डालते हैं तो कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। तो आज हम मनी गुरु में बैंक आरडी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं। तो क्या है आपके लिए बेहतर, बैंक आरडी या फिर म्यूचुअल फंड की एसआईपी? कहां निवेश करने से मिलेगा आपको ज्यादा फायदा और क्या है आरडी और म्यूचुअल फंड एसआईपी में फर्क? ये सब समझाने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ एसएल वेल्थ सर्विसेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ ब्रिजेश परनामी जी जुड़े हैं। ब्रिजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए, कई ऐसे भी लोग हैं जो अब तक निवेश की आदत नहीं डाल पाए हैं, तो कितना जरूरी ये हो जाता है कि निवेश की आदत पहले डाली जाए? जी देखिए, निवेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है एक आम आदमी की जिंदगी का और इनफैक्ट किसी का भी। जितने भी आपके खर्चे हैं या जितने भी आपके इनकम हैं, तो हमारा मानना ऐसा है और हम अपने इन्वेस्टर्स को भी ये सलाह भी देते हैं कि आप पहले सेविंग्स देखिए, बाद में एक्सपेंस देखिए। बिकॉज़ ये जो सेविंग्स हैं, छोटी छोटी सेविंग्स हैं, चले आप भले ही आप उसको वीकली करें, बाई वीकली करें या मंथली करें, ये छोटी छोटी सेविंग्स आपके आने वाले फ्यूचर में जो आपके फ्यूचर के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में बहुत मदद करती है। तो सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आप किसी भी फॉर्म में करें, डिपॉजिट के फॉर्म में करें, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में करें, सेविंग्स की एक आदत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके फ्यूचर लक्ष्य में आपको पूरा करने में आपको सहायता देती है। बिल्कुल, तो एक कहावत भी आपने सुनी होगी, बूंद बूंद सागर बनता है, और ठीक इसी तरह से निवेश में भी होता है। जब आप छोटी छोटी बचत करते हैं तभी आप अपने भविष्य के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर पाते हैं। क्या चर्चा करते हैं हमारे आज के विषय के बारे में? सबसे पहले बात करते हैं आरडी की यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट की। तो ब्रजेश जी, हमारे दर्शकों को इसकी तमाम बारीकियों से वाकिफ कराइए। जी देखिए, रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे कि बैंक में आपने सुना होगा एक फिक्स डिपॉजिट होता है, तो वैसा ही है कि रेकरिंग डिपॉजिट भी फिक्स डिपॉजिट है। जैसा कि इसके नाम में है रेकरिंग, जो कि एक बार बार वाला जो शब्द है, मतलब रेकरिंग मींस बारी बारी, मतलब रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब आपको वन टाइम डिपॉजिट ना करके आपकी सपोज छोटी छोटी सेविंग्स हैं उसको आप मंथली एज ए डिपॉजिट में डाल सकते हैं। तो जैसे आपको फिक्स डिपॉजिट आप सालाना करते हैं और एक टाइम लमसम आपने फिक्स डिपॉजिट किया, उस पर आपको ब्याज मिला, सिमिलरली आप वो सालाना ना करके उसको आप मंथली में छोटे छोटे अमाउंट को डिपॉजिट में आप तय करके डाल सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका जो ब्याज है, जैसे फिक्स डिपॉजिट का ब्याज है वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट का भी ब्याज है, आपको ब्याज मिलेगा उसकी जितनी जब भी उसकी मैच्योरिटी होगी। तो सिमिलरली उसको आप उसके जो पैसे के ऊपर जो ब्याज आपको एफडी में मिलता है वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट में भी मिलेगा। लेकिन फ़ायदा उसमें यह है कि एकदम से बड़ा अमाउंट डालने फिक्स डिपॉजिट में डालने के बजाय आप छोटा छोटा मंथली सेविंग्स को आप रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हो। यानी कि थोड़े थोड़े अमाउंट को जो आप हर महीने सेव कर सकते हैं, इससे आपको फायदा भी मिल सकता है। म्यूचुअल फंड की एसआईपी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ब्रजेश जी, जैसा कि आरडी होती है उससे म्यूचुअल फंड कैसे अलग होते हैं, इनकी एसआईपी कैसे अलग होती है? क्या म्यूचुअल फंड की एसआईपी में भी हमें मासिक निवेश करना होता है या हम चाहें तो रोजाना या फिर साप्ताहिक एसआईपी भी कर सकते हैं? जी देखिए, एसआईपी जैसा कि नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। वेयर इन रेकरिंग डिपॉजिट की जहाँ तक हम बात करें वो एक डेट इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। सिप जो है वो एक स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स की एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें भी आप रेकरिंग डिपॉजिट की तरह आप मंथली, इनफैक्ट एक ऑप्शन इसमें वीकली, बाई वीकली और मंथली की भी ऑप्शन है इसमें, जो कि रेकरिंग डिपॉजिट में खाली मंथली ऑप्शन से स्टार्ट होता है। तो एसआईपी में म्यूचुअल फंड में निवेश होता है और इसमें आप वीकली, बाई वीकली और मंथली निवेश से शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आप हमारे दर्शक और हमारे इन्वेस्टर को शायद मालूम ही होगा कि ये बाज़ार जोखिमों के अधीन जो भी इसमें निवेश होता है वो एक मार्केट लिंक्ड स्कीम के हिसाब से होता है, मार्केट रिस्क उसमें होता है। वेयर इन अगर हम आरडी और एफडी की बात करें, उसमें आपका प्रिंसिपल जोखिम नहीं होता है और इंटरेस्ट भी उसमें फिक्स्ड हो जाता है आपका। वेयर इन सिप में आपका इंटरेस्ट फ्री नहीं होता, लेकिन हाँ आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप
और जो आपका गोल है उसके हिसाब से आप निवेश की कुछ ऑप्शंस होती हैं, जैसे इक्विटी हुई या डेट हुई या लिक्विड हुई, उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। तो उसमें आपका रिस्क जो है, मार्केट रिस्क जो है, वो कम भी हो सकता है। वो आपके डिपेंड करता है आपका गोल और आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। बिल्कुल, तो जोखिम जो है वो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स में तो खैर रहता ही, लेकिन अगर हम रिटर्न की बात करें तो आरडीज के साथ कितना रिटर्न जो है ब्रजेश जी रहता है, और अमूमन हमें म्यूचुअल फंड्स के जरिए कितना रिटर्न हासिल हो सकता है? देखिए, ये भी डिपेंड करता है। आरडी में तो एक फिक्स रेट होता है, जो कि आपकी पोस्ट ऑफिस या बैंक की कोई भी स्कीम, जो प्रिवेलिंग फिक्स डिपॉजिट रेट जो बैंक के या पोस्ट ऑफिस के जो उस टाइम चल रहे होंगे, वो शायद सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं वर्सेस नॉर्मल सिटीजन से। तो जो भी फिक्स्ड एक उसमें जो बैंक या पोस्ट ऑफिस का जो स्कीम होगा उसके हिसाब से ब्याज तय हो जाती है उसमें। लेकिन म्यूचुअल फंड जो कि मैंने बताया, एसआईपी जो कि एक म्यूचुअल फंड ऑप्शन है, उसमें जो है रिटर्न फिक्स नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप सपोज इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनते हैं, जो कि हम अपने निवेशकों को बोलते हैं कि अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है और आपके पास जो सेविंग है उसकी आपको एकदम से कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप छोटा छोटा करके एसआईपी के फॉर्म में लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कीजिए और प्राइमरली लार्ज कैप इक्विटी फंड आप चुनिए। तो लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड है तो बाजार जोखिमों के अधीन ही, लेकिन फिर भी आप देखें एवरेज अगर हम रिटर्न पकड़ें, इक्विटी जो जो रिटर्न होता है वो करीबन 10-12% का हमें देखने को मिला है पिछले अगर 4-5 सालों का हम एवरेज देखते हैं तो। और वर्सेस अगर लिक्विड फंड में या डेट फंड में डाला है तो म्यूचुअल फंड में करीबन एनीवेयर बिटवीन 7-9% का रिटर्न होता है, जो कि ऑलमोस्ट इतना ही रिटर्न आपके फिक्स डिपॉजिट और आरडी में ही होता है। तो जो कि डेट और लिक्विड को हम म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें आरडी और फिक्स डिपॉजिट के साथ, तो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही रिटर्न आता है इसमें। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड में ऑप्शन रिस्क है जी, और एफडी आरडी में रिस्क नहीं है। जी 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 बिल्कुल, तो यही मेरा अगला सवाल था, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जोखिम क्या है, आपने बता ही दिया। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी अपने कुछ सवाल उठ रहे हैं तो आप भी ब्रजेश जी से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तरीका बेहद आसान है हमारे साथ सीधा जुड़ने का, ट्विटर और फेसबुक के जरिए, जहाँ पर हमारा शो इस वक्त लाइव है। आप चाहें तो वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल भेज सकते हैं हमें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अपने शो में शामिल कर पाएँ। तो ब्रजेश जी, एक सवाल हम शामिल कर लेते हैं फेसबुक के जरिए, हमारे पास मनोज जी का आया हुआ, और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तो मनोज जी बताते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स में 21,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं और 10 से 20 साल के लिए ये जो है निवेश करना चाहते हैं। घर खरीदने के लिए इन्हें 10 साल में 40 लाख रुपए चाहिए, और इसके साथ ही इन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी एक टारगेट सेट किया हुआ है, जो कि 20 साल में 1 करोड़ रुपए का है। रिटायरमेंट के लिए ये एनपीएस में निवेश कर रहे हैं, और एनपीएस में सरकार का योगदान जो है वो करीब 10,000 रुपए का है। मौजूदा निवेश से ये जानना चाहते हैं कि क्या इनके लक्ष्य ये हासिल कर पाएंगे या इनको पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है। पोर्टफोलियो में मैं बता देती हूं इनके पास कौन कौन से फंड्स है। रिलायंस लार्ज कैप है, इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, एबीएसएल टैक्स रिलीफ 96 फंड, और साथ ही एक्सेस मिड कैप फंड भी है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, और इसके अलावा टाटा इक्विटी पीई फंड है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे मनोज जी को? जी, मैंने ये फंड्स जैसा कि आपने बताया, मैंने देखे और एक क्वेरी मेरे पास आई थी पहले, तो इनका करीबन मैं देख रहा हूँ कि लार्ज कैप, मल्टी कैप और मिड और स्मॉल कैप, एक अच्छा मिश्रण इन्होंने चूज़ किया है। और इनका कुछ गोल है 1.4 करोड़ का कॉर्पस इनको चाहिए करीबन अगले 10 सालों में, एक पहला गोल है, और फिर 20 सालों में इनका गोल है। तो इनका पोर्टफोलियो ठीक है, जहाँ तक मैं देखता हूँ इनका एवरेज रिटर्न, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं तो करीबन 14% का एवरेज रिटर्न इनका केगर बनना चाहिए। तो मैं इनको एक सलाह ये दूंगा, इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको जो स्पेसिफिक जो एसआईपी इनकी जो फंड वाइज अलोकेशन कर लें, जैसे ड्रीम हाउस के हिसाब से मैं इनको सजेस्ट करूंगा, इनकी जो 5 SIPs हैं जैसे रिलायंस लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, कोटक स्टैंडर्ड, मिराय इमर्जिंग और ABSL टैक्स रिलीफ, ये 5 SIP आप समझिए आपके ड्रीम हाउस के लिए हैं। और बाकी एक्सिस मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप और टाटा का जो 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 फंड है इनका म्यूचुअल फंड का,
वो आप इनको अलोकेट कीजिए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। और छः छः महीने में आप रिव्यू करते रहिए, वो तो एक सैनिटी चेक हम अपने हर एक इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि सैनिटी चेक के लिए छः महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू ज़रूर करते रहिए। आपको पता लगेगा कि कोई एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कौन सा फंड दे रहा है नहीं दे रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप खुद भी स्विच कर सकते हैं, जो अच्छा फंड रिटर्न दे रहा है उसमें स्विच कर लो, नहीं तो आप चलने दो अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो मेरे हिसाब से एलोकेशन करेंगे तो इनका गोल अचीव हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं मनोज जी की ब्रिजेश जी की सलाह के साथ जो है आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। और जैसा कि ब्रिजेश जी ने भी कहा कि छः छः महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करते रहिएगा। एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है निरुपम जी का। निरुपम जी बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में ये 20,000 रुपए का मासिक निवेश कर रहे हैं और पोर्टफोलियो के बारे में ब्रिजेश जी आपकी राय चाहते हैं। इनके पास अपने पोर्टफोलियो में 5 फंड्स हैं जिसमें ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, साथ ही ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, आदित्य बिरला सनलाइफ टैक्स रिलीफ 96 है, एक्सिस मिड कैप फंड है और HDFC का स्मॉल कैप फंड है। तो आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या इनके फंड्स का सिलेक्शन ठीक है? देखिए निरुपम जी का, मेरे पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है जैसे पिछले कॉलर का था, तो फिर भी मैं मानता हूँ कि चलिए इनके पास सरप्लस सेविंग है और ये वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और इनके पास होराइजन करीबन 10 से ऊपर सालों का है, तो मैं जो इनका देख रहा हूँ इनके टोटल पोर्टफोलियो का एक्सपोजर जो है वो 45% मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में है और 25% ही करीबन लार्ज कैप में और 30% करीबन मल्टी कैप, जो कि टैक्स के सेवर में इन्होंने डाला पैसा। तो इनका अगर रिस्क प्रोफाइल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो ऑन एन एवरेज जो एक रूटीन जो फंडामेंटल जो हम थंब रूल बोलते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा इनका एक्सपोजर स्मॉल और मिड कैप की तरफ ज़्यादा है, तो मैं इनको सजेस्ट ये करूँगा कि स्मॉल और मिड कैप का जो इनको एक्सपोजर है वो करीबन 25-30% तक इनको लेके आना चाहिए और बाकी जो है मतलब उस जो 25-30% बाकी का जो 10% जो एडिशनल एक्सपोजर है उसको ये मल्टी कैप में ये और लार्ज कैप में ये इक्वली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो ठीक है, थोड़ा सा रीअलोकेशन करने की मतलब स्मॉल और मिड कैप से मल्टी कैप और लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा ये मिश्रण उनको बढ़ाना चाहिए। ब्रिजेश जी सबसे पहले यही जरा समझाइए कि क्या इन दोनों विकल्पों में किसी तरह का कोई एग्जिट लोड भी लगता है? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। SIP जैसा मैंने पहले बताया कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है जो कि मार्केट लिंक्ड रिस्क होते हैं इसमें। नाउ सपोज आपने एक SIP में इन्वेस्टमेंट किया, उसमें आपका रिटर्न सपोज अच्छा नहीं आया और आप उसको प्री मेच्योर उसको बंद करना चाह रहे हैं, तो उसमें एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड वो डिपेंड करता है अलग हर म्यूचुअल फंड कंपनी की हर स्कीम के हिसाब से, वो बॉल पार्क डिसाइड होता है नंबर क्या परसेंटेज आपको एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन हो सकता है आपका प्रिंसिपल से भी वो आपको एग्जिट लोड लगा दें बिकॉज आपका मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट था। सपोज आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं चला या मार्केट के हिसाब से म्यूचुअल फंड की NAV नीचे आ गई, तो जब आप उसको प्री मेच्योर विड्रॉ करते हैं तो हो सकता है प्रिंसिपल से भी वो पैसा डिडक्ट हो जाए। वेयर इन RD में ऐसा नहीं होता। RD में क्या होता है कि आपका सपोज एक फिक्स्ड ब्याज तय हो गया जब आपने वो इन्वेस्टमेंट किया और सपोज आपने वो टेनर भी निश्चित किया कि मैं सपोज एक साल के लिए हर महीने एक RD अमाउंट निश्चित करूंगा और उस पर X% बैंक या पोस्ट ऑफिस ने आपको ब्याज भी निश्चित किया, लेकिन आप सपोज एक साल से पहले 6 महीने में विड्रॉ कर रहे हैं उसको, तो होगा क्या कि जो आपका ब्याज तय हुआ था तो बैंक या पोस्ट ऑफिस उस ब्याज से आपको उतना ब्याज ना दे के उसमें से डिडक्शन करेंगे, मीन्स आपका जो इंटरेस्ट है उसमें से डिडक्शन होगा, आपके प्रिंसिपल से डिडक्शन नहीं होगा। वेयर इन म्यूचुअल फंड में ऐसा हो सकता है कि आपका अगर मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट में अगर आपका वो पैसा ग्रो नहीं हुआ तो हो सकता है आपके प्रिंसिपल से भी आपको जब आप करें विड्रॉ तो उससे भी कम पैसा मिले, तो बस इतनी सी बारीकी है। बिल्कुल, तो ये बारीकी तो हमने अच्छे से समझ ली, लेकिन जब टैक्स देनदारी की बात आती है, क्योंकि जब निवेशक निवेश करते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता है कि आखिरकार हमें टैक्स कितना चुकाना होगा, तो जरा ये भी समझा दीजिए कि दोनों विकल्पों में टैक्स देनदारी कितनी बनती है। देखिए रेकरिंग डिपॉजिट सिंपल एक डेट स्कीम है, तो इसमें तो अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो इसमें TDS डिडक्शन हो जाएगा 10% के हिसाब से, और जो भी आपके जो और ये पूरा का पूरा अमाउंट जितना भी इंटरेस्ट आपने बनाया ये पूरा 100% टैक्सेबल है। वो टैक्सेबल कैसे है, वो आपका जितना भी इंटरेस्ट इनकम आपकी आई वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी, तो जिस स्लैब में आप
आईटी स्लैब में आप आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है मैच्योरिटी पे 100% टैक्सेबल है, और अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तो TDS भी कट जाएगा उसमें। तो ये बात तो रही RD की, रही बात म्यूचुअल फंड की, उसमें डिपेंड करता है कि आप किस स्कीम में उस म्यूचुअल फंड को डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2-3 तरीके की स्कीम्स होती हैं, इक्विटी, हाइब्रिड या डेट। अब डेट स्कीम जो हैं उसमें भी, इसमें दो चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आप कितने समय तक इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं। सपोज़ 1 साल कर रहे हैं या 1 साल से ज़्यादा कर रहे हैं, 1 से 3 साल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें बारीकी है जो कि मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने की। पहला एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया सिप के थ्रू, जो कि एक हर एक सिप, सपोज़ 1 महीना आपने डाला, दूसरे महीने आपने सिप डाला, तो हर महीने का जो सिप है ये एक आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट रेट होता है। तो ये तो सबसे बड़ी बात ये हुई। दूसरी बात, आपने सपोज़ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया सिप में, और आप उसको 1 साल से पहले आपने विड्रॉ कर लिया, तो जो करंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको 15% जो आपका जो गेन होगा, माइंड इट प्लीज, जो गेन होगा उस पे टैक्स लगेगा। और अगर सपोज आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा आपने किया, 1 साल से ज़्यादा के बाद आप विड्रॉ कर रहे हैं, उसमें अगर आपका गेन 1 लाख रुपए से ऊपर है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तक है तो 0% टैक्स, अगर इक्विटी में और हाइब्रिड में इन्वेस्टमेंट है तो 1 साल से ज़्यादा। यही बात अगर सिप की हम बात करें, जो कि आपकी डेट फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 साल से 3 साल तक आपका जो नॉर्मल आईटी स्लैब आता है, जो इंटरेस्ट आपने जो बनाया या जो ब्याज उस पर आया या जो भी गेन आया, वो गेन पे आपको जो नॉर्मल आईटी स्लैब के हिसाब से जो टैक्स पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा। मींस आपकी जो गेन है वो आपकी इनकम में ऐड होगी, फिर जो नॉर्मल आईटी स्लैब में आप जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। यही अगर आपने 3 साल बाद डेट स्कीम को विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसमें 20% प्लस इंडेक्सेशन के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बारीकी है, लेकिन एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो फिर एकदम क्लियर हो जाता है। बिल्कुल, तो म्यूचुअल फंड की SIP पे आपको, म्यूचुअल फंड्स पे आपको कितना टैक्स चुकाना होता है, ये पूरा गणित तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं निवेश की, तो ब्रजेश जी, किस तरह के लक्ष्यों के लिए हमें RD को चुनना चाहिए और किस तरह के लक्ष्यों के लिए हमें म्यूचुअल फंड्स की SIP को चुनना चाहिए? जी सर, जैसा कि हम बताते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, इस पर आपको प्रिंसिपल प्रोटेक्शन पूरा है, आपको फिक्स ब्याज भी मिलता है जो भी बैंक या पोस्ट ऑफिस बोलता है। तो अगर आपका लक्ष्य जो जैसा कि हम मानते हैं शॉर्ट टर्म है, आपके पास सरप्लस सेविंग है जिसको आप, लेकिन आपको पता है कि 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये पैसे को पार्क कर रहा हूँ ताकि ये खाली ऐसे ना पड़ रहे, उस पर थोड़ा ब्याज मिले, तो उसके हिसाब से फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये पैसे को मैं, लॉन्ग टर्म गोल है मेरा और मेरे पास सेविंग की एकदम से मेरे को ज़रूरत नहीं है अगले 3 से 5 साल के लिए, तो उस केस में SIP इक्विटी में निवेश जो है, इक्विटी ऑप्शन में निवेश बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। आप सिप के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप वीकली शुरू कर सकते हैं, मंथली शुरू कर सकते हैं, स्कीम चेंज कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, आप विकल्प काफ़ी अच्छे आते हैं। और आपके पास अगर होराइज़न लंबा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि लंबा होराइज़न इक्विटी में मतलब आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देता है वर्सेस RD और फिक्स डिपॉजिट के बजाय। तो डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपका गोल क्या है, आपकी क्या फंड रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना सेविंग को कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से सिप या RD, उसके हिसाब से दो विकल्प आते हैं। तो लंबे समय के लिए सिप और छोटे समय के लिए RD, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल, तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सिप आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। और जैसा कि ब्रजेश जी ने भी बताया कि RD अगर आप चुन रहे हैं तो छोटे समय के लक्ष्यों के साथ जो है उसे जुड़े। खैर, एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आया हुआ है भौमिक का। ये बताते हैं कि इनकी उम्र जो है 35 साल है और म्यूचुअल फंड्स में ये 7,000 रुपये का मासिक निवेश कर रहे हैं। 50,000 का ICICI प्रूडेंशियल वेल्थ बिल्डर में भी इन्होंने फंड लगाया हुआ और साथ में परिवार की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ है। इसके
साथ ही इनकी तीन LIC की पॉलिसी भी चल रही है और बच्चे के लिए चाइल्ड प्लान जो है ये लेना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इनके लिए कौन सा चाइल्ड प्लान लेना सही साबित होगा और साथ ही अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी आपकी राय चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इनके पोर्टफोलियो में जो जो फंड शामिल है, जिसमें रिलायंस लार्ज कैप फंड है, रिलायंस विजन फंड है, साथ ही रिलायंस वैल्यू फंड है और ICICI प्रूव वेल्थ बिल्डर है। और इसके साथ ही जो टर्म इंश्योरेंस इन्होंने लिए हैं उसमें HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस है जो 50 लाख का कवर दे रहा है, साथ ही मैक्स ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस है जिसका कवर 1 करोड़ का है और ओरिएंटल मेडिकल इंश्योरेंस भी इन्होंने लिया हुआ है 5 लाख के कवर के साथ। LIC की इनकी तीन पॉलिसीज में जीवन लाभ है, जीवन सरल है और जीवन आनंद है। तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे? जी, पहली बात तो भौमिक जी को मैं थोड़ा सा बधाई देना चाहता हूँ, इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्होंने इंश्योरेंस का मिश्रण काफ़ी अच्छे से किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसमें हर तरीके का इंश्योरेंस इन्होंने डाला है, टर्म इंश्योरेंस है, एंडोमेंट प्लान है, यूलिप है और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी है, जो कि अच्छी बात है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इनका जो म्यूचुअल फंड में निवेश जो है वो खाली 7,000 रुपये का ही निवेश ये कर रहे हैं और बाकी इन्होंने आईप्रू का वेल्थ बिल्डर में एक यूलिप प्लान में पैसा डाला है एज फार एज द इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। 5 LIC इंडोमेंट पॉलिसीज हैं तो थोड़ा इंश्योरेंस उन्हें हायर साइड है। अब रही बात एक और बच्चे के इंश्योरेंस के लिए बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस इनके पास अब सफिशेंट है, उस पैसे को मेरे हिसाब से इनको म्यूचुअल फंड और सिप्स के थ्रू में ज़्यादा डाल देना चाहिए। तो उसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ बच्चों के फ्यूचर को लेके सेंट्रिक काफ़ी म्यूचुअल फंड प्लान्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं HDFC और एक्सिस का चाइल्ड प्लान आता है म्यूचुअल फंड में, तो उसमें ये बैलेंस कैटेगरी का फंड है, लॉक इन पीरियड है, जब तक बच्चा आपका 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप अपना निवेश कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपका म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर थोड़ा लिमिटेड है। तो मैं सजेशन ये दूंगा कि ये जो दो फंड्स मैंने बोले इसमें आप थोड़ा सा आप इन्वेस्ट आप जो आप इंश्योरेंस में डालने के बजाय आप इसमें डाल दीजिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो आपका जो हेल्थ कवर है जो मैंने देखा उसको आपको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपकी मेडिकल जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी और जो मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं वो बढ़ती जाएंगे। जी, बिल्कुल। तो हेल्थ कवर जो है वो ज़रूर आपको भौमिक जी बढ़ाना चाहिए, जैसा कि ब्रजेश जी ने भी आपको सलाह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि बैंक RD और म्यूचुअल फंड के सिप्स में से कौन सा विकल्प उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है, तमाम बारीकियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ कराने के लिए। तो आज के लिए मनी गुरु में इतना ही, लेकिन ज़ी बिज़नेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।